ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हम पिछले जन्म की बातें क्यों नहीं याद रख सकते। ड्रामा में क्यों का प्रश्न हम उठा तो नहीं सकते। परंतु जानकारी के लिए क्यों उठा सकते हैं कि क्यों नहीं रख सकते। बाबा कहते, बच्चे आपको यदि पिछले जन्म की बातें याद रहें, विचार करके देखो कि जो अब आपकी मां है वो पिछले जन्म में आपका बाप थी, आपका सखा थी, या आपकी वाइफ थी, या आपके साथ कोई और दुश्मन वाला भी व्यवहार रहा होगा, तो आप पिछले के अनुसार जिएंगे कि वर्तमान के हिसाब से जिएंगे। सबसे बड़ी बाधा यही आएगी कि आप वर्तमान में जिएंगे कि भूतकाल में जिएंगे, भूतकाल के रिश्ते से जिएंगे या वर्तमान के रिश्ते से जिएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो एक्ट, कर्म, कार्मिक अकाउंट जिस समय सेटल होना है उसी समय होगा ना। अब आपने पिछले जन्म में किसी और रूप में अपना कार्मिक अकाउंट बनाया था, अब आप किस रूप में उसके साथ रहेंगे। जिन बच्चों को ये याद रहा, जो जन्म लिया, जिनको पिछले जन्म की बातें याद रही, उसके पीछे भी परमात्मा ने समझाया कि उन्हें इसलिए याद रहा कि उन्होंने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना था। और जैसे ही उनका कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ तो उन्हें भूल गया, उन्हें भूल गया। जैसे एक बच्चे ने अपना घर ढूंढा, बताया कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी आया है, ये हमारे घर में काम करने वाली थी, ये मेरी कंपनी है, मैं इस कंपनी का मालिक था, सारा कुछ बताया, सब कुछ जो जैसे पूछा गया बताया। अब वो बच्चा क्या कंपनी का मालिक बन के कहे कि मैं चलाऊंगा इस कंपनी को? क्या वो उसे अपनी वाइफ की तरह अब एक्सेप्ट कर पाएगा, या वो उसे अपने हस्बैंड की तरह एक्सेप्ट कर पाएगी? उसे कैसे रहना होगा? और धीरे धीरे वो उन बातों को भूलता गया। उसने बताया कि कैसे छोटे भाई ने मुझे मारा, परंतु ये सब बताना उसका रोल था। उस बताने के आधार पर जो कुछ भी होना था वो उसका रोल था, परंतु अब उसे तो अपने वर्तमान जीवन में फिर से पहली क्लास में पढ़ने जाना है, स्कूल जाना है, फिर पढ़ना है, फिर सारा कुछ करना है, उसी प्रकार से नया जीवन सेटअप करना है। तो पिछला जीवन ऑटोमेटिक भूल जाते हैं। रेयर केस हमने ऐसे भी देखे हैं जिनको याद रहता है और वो उसको निभाते भी हैं। सबको याद रहे तो इस संसार को चलना मुश्किल। इसलिए ड्रामा में ये एक नियम बना हुआ है कि पिछला जन्म भूल जाए, ताकि वो नए जीवन को नए तरीके से जी सके। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। लगभग 2000 से अधिक वीडियोस आपके पास भेजे जा रहे हैं, आप उन्हीं वीडियोस के एक बार टाइटल देखते जाइए, लिस्ट देखते जाइए, क्लिक करेंगे तो हर लिस्ट में आपको 300, 400, 500 वीडियोस मिलेंगे। आपको लगे कि ये तो मेरे मन में भी उठने वाला प्रश्न है तो आप उस वीडियो को देखिए। आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न उठता है जो वहां अवेलेबल नहीं है, फिर आप मेरे पास भेजेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना के फिर प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, सबके पास पहुंच जाएगा। ओके, ओम शांति।